जी आप फिलहाल आप चेक कर सकते हैं टोटल बॉडी अभी बिल्कुल ओके हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, अनदर व्लॉग, अनदर डे। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और हम होंडा सिटी 2018-19 मॉडल की 40,000 किलोमीटर का चेकअप कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर ट्यूनिंग की जाती है गाड़ी की। तो आएँ हमारे साथ चलें, वर्कशॉप में लेके चलते हैं आपको, और आपको प्रॉपर वीडियोज़ में दिखाते हैं कि मेंटेनेंस में क्या क्या काम हो रहा है। तो आएँ हमारे साथ चलें। A few moments फुल ट्यूनअप हो रहा है 40,000 किलोमीटर का। ये इसका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर की कंडीशन आप देखें, एयर फिल्टर भी इसका चेंज होगा। उसके बाद ये इसका एसी फिल्टर है, एसी फिल्टर भी देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गंदा है ये फिल्टर इसका। ये फिल्टर भी चेंज होगा इसका एसी का। प्लस एयर रेजोनेटर बॉक्स खुला हुआ है, इसके अंदर इसका फिल्टर लगता है। इग्निशन कॉइल इसकी, ये चार सिलेंडर इंजन है जुनेसा, इसमें चार इग्निशन कॉइल जाएंगी, चार कॉइल जाएंगी। और ये स्पार्क प्लग हैं इसके, रेडियम प्लग हैं, स्पार्क प्लग अभी ठीक हैं इसके जी बिल्कुल, अभी चलेंगे। और 1,00,000 किलोमीटर लाइफ है इनकी। ये जो स्पार्क प्लग हैं इसके 1,00,000 किलोमीटर चलते हैं, ये ठीक हो गया। 40,000 किलोमीटर पे इसकी क्लीनिंग होती है। ये इसका ओरिजिनल ऑयल फिल्टर आ गया है होंडा का, और ये जहाँ से ऑयल ड्रेन करते हैं ये उसकी वॉशर आ गई है। उसके बाद ये इसका एयर फिल्टर आ गया है होंडा जेन्युइन। उसके बाद ये इसका एसी फिल्टर आ गया है ओरिजिनल होंडा से। ये बैटरी वाटर कम है इस गाड़ी में, बैटरी वाटर लेवल पूरा किया जाएगा। ये इसमें इंजन ऑयल डाला जाएगा SN0W20 3.7 लीटर। ये इंटेक खुला हुआ है इस गाड़ी का, क्योंकि टैपर्स हो रहे हैं। ये इसका टैपर कवर खुला हुआ है जी। तो अभी मेहरान साहब ऑयल ड्रेन कर रहे हैं गाड़ी का, अभी ऑयल फिल्टर ड्रेन बुल खोल गया है, अभी ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं, अभी ऑयल फिल्टर खोला जा रहा है। ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर हर 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज होगा। ठीक होगा, 10,000 किलोमीटर चलता है, 10,000 किलोमीटर माइलेज है इसकी। बैलेंसिंग होके आ गए हैं, ठीक हो गया है। ब्रेक कैलिपर्स खोले जाएंगे, ब्रेक पैड निकाल के उनको क्लीन करके उनकी कंडीशन चेक करके उनको वापस इंस्टॉल कर दिया जाएगा, फिट किया जाएगा गाड़ी के अंदर। तो ये अभी बोल्ट के अंदर वॉशर नहीं इंस्टॉल की जाएगी, ये वॉशर पुरानी है, इसको सफाई करना है, ठीक हो गया है। ये वॉशर है, ये हर ऑयल के साथ चेंज की जाएगी, एल्युमिनियम की होती है, प्रेस हो जाती है, ठीक हो गया। लीकेज की वजह से हर बार चेंज करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। नहीं जी, वॉशर बोल्ट ड्रेन बोल्ट टाइट हो गया है, अभी ऑयल फिल्टर की जगह क्लीन करके ऑयल फिल्टर लगा जाएगा, ठीक हो गया। स्पार्क प्लग क्लीन हो गए हैं, चार स्पार्क प्लग क्लीन हो गए हैं। ठीक हो गया, अभी ऑयल फिल्टर लगाया जाएगा। इसके ऊपर ऑयल लगाना पड़ेगा हल्का सा, ठीक होगा, जगह क्लीन हो गई है। ठीक हो गया, अभी इनपुट और किया जाएगा, बाकी इन अभी जो ट्यूनिंग हो रही है 40,000 किलोमीटर के चेकअप के अंदर, ये रबर पार्ट भी चेक होते हैं, व्हीलिंग के, फिर ड्राइव शाफ्ट बूट के, फिर ये बॉल जॉइंट के, फिर ये एंड के बूट भी चेक होते हैं इसमें कि ये कोई क्रैक्स तो नहीं है, पर ये स्टीयरिंग असेंबली के, फिर इसी तरह ही राइट साइड के ऊपर ये एंड का बूट आ गया है, बॉल जॉइंट का आ गया है, ड्राइव शाफ्ट के बूट आ गए हैं, स्टीयरिंग के बूट आ गए हैं, शॉक्स चेक होते हैं, शॉक्स लीक तो नहीं है,
नीचे से गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन देखी जाती है, कोई लीकी तो नहीं है गाड़ी के अंदर किसी किस्म की भी। अभी डेंटबोल्ट टॉर्क किया जाएगा, 39 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, ठीक हो गया है। अभी ऑयल फिल्टर टॉर्क किया जाएगा, ऑयल फिल्टर का जो टॉर्क है वो 12 न्यूटन मीटर है। ये ओवरऑल नीचे से कंडीशन देखी जाती है एग्जॉस्ट की, पूरा अपर एग्जॉस्ट कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है। फिर इसके जो माउंट्स हैं साइलेंसर के वो चेक किए जाते हैं, कोई टूटा तो नहीं है। सस्पेंशन चेक की जाती है, फ्रंट बैक की प्रॉपर, और उसके बाद फ्यूल लेंस चेक की जाती हैं, फ्यूल लेंस कहीं से डैमेज तो नहीं है। ये फ्यूल टैंक है इसका, ये फ्यूल लेंस है इसकी, सारे फ्यूल लेंस देखी जाती है प्रॉपर इसकी जी। तो अभी ब्रेक कैलिपर का टॉर्क जो है, ब्रेक कैलिपर की ब्रेक सर्विस हो गई है, उसके बाद ये टॉर्क किया गया। अभी इनका टॉर्क कितना है? 22 न्यूटन मीटर टॉर्क है ब्रेक कैलिपर का, सिटी के फ्रंट कैलिपर जो है इसके, ठीक हो गया है। और इसमें तो बैक पे ब्रेक शू आते हैं, ब्रेक शू भी क्लीन करने हैं, ठीक हो गया। गाड़ी जब नीचे आएगी तो ब्रेक शू क्लीन किए जाएंगे इसके जी। तो गाड़ी लिफ्ट से नीचे उतारी गई है अभी, तो अभी ये टैपर्ड कवर यहाँ से खोला गया है, अभी टैपर्ड्स कर किए जाएंगे। ये इनटेक के टैपर्ड हैं इस साइड के ऊपर, और ये पीछे वाली साइड के ऊपर ये टैपर्ड टैपर्ड्स हैं, ये एग्जॉस्ट के टैपर्ड हैं। ये थ्रॉटल बॉडी है इसकी, थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन अभी आप चेक करें कितनी गंदी है। तो अभी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। करें जी, थ्रॉटल बॉडी हम पेट्रोल के साथ भी क्लीन कर सकते हैं, और टोटल बॉडी क्लीनिंग कर रही है अभी। बाट की विंडस्क्रीन वॉशर पानी यहाँ पे चेक किया जाता है, ब्रेक ऑयल लेवल चेक किया जाता है, उसके बाद कूलेंट वगैरह चेक किया जाता है, बैटरी वाटर चेक किया जाता है इसका। टोटल बॉडी क्लीन हो रही है, टोटल बॉडी क्लीन करने के बाद जब टैपर्स ठंडे हो जाएंगे, थोड़े टेम्परेचर इनका नॉर्मल हो जाएगा, फिर टैपर एडजस्टमेंट की जाएगी। अभी टोटल बॉडी क्लीन हो रही है, क्लीन होने के बाद आपको दिखाते हैं बिफोर और आफ्टर में क्या फ़र्क है जी। तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन होने के बाद उसकी कंडीशन आप चेक करें, पहले कैसी थी और अब कैसी है आप चेक कर सकते हैं। थ्रॉटल बॉडी अभी बिल्कुल ओके हो गई है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर टाइमिंग सेट की जाती है, टाइमिंग सेट करने के बाद फिर टैपर्स होते हैं। अभी मेहरान साहब टैपर एडजस्ट कर रहे हैं, टैपर्ड एडजस्ट टाइम ऑन, जो इनटे एग्जॉस्ट के हैं वो टैपर्ड कितनी एडजस्टमेंट होती है इनकी, इनकी गेज कितनी होती है? और इनटेक 8 है, ठीक हो गया। अभी कितने टैपर रह गए मजीद? बस एग्जॉस्ट के खत्म हो गए तकरीबन, ठीक हो गया। अभी इनटेक के करने हैं इसके बाद, ये जो आप कर रहे हैं अभी ये एग्जॉस्ट साइड है, ठीक हो गया। ये इनटेक साइड है, हो गया। अभी टैपर्ड के बाद गाड़ी फाइनल फिटिंग की जाएगी, फिटिंग के बाद फिर कंप्यूटर के साथ और रनिंग स्कैनिंग की जाएगी, ठीक हो गया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी, तो गाड़ी टैपर्ड होने के बाद, ट्यूनिंग होने के बाद जनरेटर बॉक्स भी फिट हो गया है, इनटेक भी फिट हो गया है, टैपर्ड कवर भी फिट हो गया है, और गाड़ी की फाइनल हर चीज़ ओके हो गई है। ओके करके फिट करके अभी स्टार्ट कर दी गई है, स्टार्ट होने के बाद अभी गाड़ी को रनिंग पर लगाया गया है, गाड़ी अभी लर्निंग पे लगी हुई है। गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी करके इसमें चेक की जाती हैं कि इसमें कुछ चेक इंजन लाइट तो नहीं है, उसके बाद कंप्यूटर लगाया जाता है, कंप्यूटर चेक करके देखा जाता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आइडल लर्न आइडल एयर, ये आ रहा है कंप्लीट ग्रीन, इसका मतलब गाड़ी आपकी ओके है, मतलब कि गाड़ी आपकी आइडल में, गाड़ी में आपको फ्यूल कितना चाहिए, एयर कितनी चाहिए, और सारी चीज़ें अगर जब ओके हो जाएंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ में फॉल्ट होगा तो ये ओके नहीं होगी,
और उसके बाद आप आर्किंग चेक कर सकते हैं, आर्किंग भी गाड़ी के बिल्कुल ओके हैं। अभी ये चल रहे हैं करंट जो आर्किंग में आप देख सकते हैं आरपीएम, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अभी ये यहाँ पे हैं, इसका मतलब बिल्कुल ओके हैं, गाड़ी अभी फाइनल हो गई है, इसकी लर्निंग भी कम्प्लीट कर दी गई है। आप चेक कर सकते हैं अभी कस्टमर को गाड़ी ये डिलीवर कर दी जाएगी, ओके हो गया है। आरपीएम भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओके हो गए हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस प्रॉपर हो गई थी, उसकी ट्यूनअप जो थी वो स्पार्क प्लग आप दिखाए थे और टैपर्स करते हुए दिखाए थे, उसकी प्रॉपर ट्यूनअप हो गया था इंजन का, और इंजन का ट्यूनअप करके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी गई थी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको सबको पसंद आया होगा, आज हमने जो भी आपसे डिटेल शेयर की है। तो इस तरह ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।